अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। तो यहाँ जो मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाने जा रही हूँ और बनाना शेक बनाने जा रही हूँ, तो बस उसको सोचा कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। बच्चे तो स्कूल गए हुए थे और मेरे पास ये कुछ स्ट्रॉबेरीज भी रखी हुई थी, तो मैंने बोला गर्मी में सब अच्छा है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ठंडा। तो बस मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने सारे स्ट्रॉबेरीज जो हैं धो के अच्छी तरीके से जार में रख ली थी। 1 कप दूध ले लिया था, चीनी उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, साथ में मैंने ये रोबज़ा लिया है। ग्लास में थोड़ा सा डेकोर करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी आइस क्यूब्स। और यहाँ जो है हमारा स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो रेडी है, तो यहाँ मैं सर्व कर दूँगी। जब तक बच्चे स्कूल गए हुए हैं आएंगे तो ये और चिल हो जाएगा। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए और डीप में रख दूँगी क्योंकि अभी बच्चों के आने में टाइम था, आधा घंटा था तकरीबन बच्चों के आने में। तो यहाँ देखिए ये हमारा मज़ेदार सा जो है ठंडा ठंडा सा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। बस अब चलते हैं हम लोग दूसरी रेसिपी की तरफ, दूसरे शेक की तरफ जो कि है बनाना शेक। तो यहाँ देखिए मैंने 2 केले ले लिए हैं, थोड़ी सी इलायची चीनी और 1 कप दूध ले लिया है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध, 2 अदद केले, चीनी और यहाँ मैं ले लूँगी इलायची थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की सी। अच्छी तरह से कूट के इसको बारीक कर लीजिएगा। बस हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। वो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। बस फिर हम गिलास में थोड़ी सी आइस क्यूब्स ले लेंगे, फिर हमारा ये जो शेक बनाना शेक जो है वो रेडी है। तो हम इसको इसमें निकाल लेंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बच्चे जूस मांगते हैं, बाहर की बोतल मांगते हैं, उससे तो बेहतर यही है कि बच्चों को ताकत भी मिलेगी और बच्चे इंजॉय भी कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा थोड़े से मेरे स्प्रिंकल रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने स्प्रिंकल कर लिया इसके ऊपर। थोड़ा सा डेकोर कर दिया मैंने ताकि बच्चे जो हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि बच्चे इस तरह से नहीं पीते। बाकी बोतल हो गई, जूस हो गई, ये तो पी लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह मैंने ये बनाया है, मेरे ये रेडी है, तो बच्चों ने इंजॉय किया था।